अली कुछ कुर्मा इनाम का क्या दे बजे ना हो यहाँ पर रास्ता है और क्या ना लुमा हो मैं पैगंबर दे वाले सोने मैं भी आलम ना मैं भी दर्शन को ना पढ़ा लेकिन एक मुसलमान हो और देना दे सारा ईमान है कि खत्म न बहुत है पैरा जान दी अगर गुबाई बड़ी पूरे तो देवाने चलते हैं और साथ ही कोई पता नहीं ऐसा अगला ना आवे तभी वास्ते मैं वाक्सा आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया आज ऐसा अपराध पेश करूं आज नियत करूं कोई पता नहीं 8 फरवरी तक मैं वही सकता ना वही सकता तो नहीं पता लेकिन उन आज कल इसी जगह ना लिखो ताकि कब्र जो हजूर सारी शफात जरूर करें मेरे भाई दुनियादारों को 76 साल तो सपोर्ट की थे उन्हें सिर्फ थाने और कचहरी की सियासत की थी जी सारे वोट फिन के पावर चाह के ऐसा को कुटवे ने लिहाजा तुस अगर कटे थी वेसु एक प्लेटफार्म थे इंशाल्लाह जरा निजाम मुस्तफा का निफाज थी सी बस कुरान में मुताबिक फैसले थी सन थाने की कुरान को समय रा भी फैसला किता वे सी चोर की सजा जरी हाथ कटने वाला हाथ कटी सन जरा तो इलाके ठीक बंदे हाथ हटे के वक्त उम्मीद काफी है तो आस पास इलाके चोरी नहीं सी और इन बुराई दी जरी जाड़े वो सारा निजाम है असा इस निजाम के खिलाफ है असा चाहते निजाम मुस्तफा का निफाज हो अल्लाह ताला तो ढेर इस तो नवाजे नेक मिशन है मैं अपना घर छोड़ी खड़ा अपना पेश की तुम खानदान को पसे पर्दा रखा मैं मैदान अमल ही चाह गया तो कोई दावत ले सा के साथ कोई भरोसा का नहीं इस नेक मिशन ही सारा साथ लो इंशाअल्लाह दीन तक जरूर ते आस दीन तक ते जरूर आस इंशाअल्लाह इन अल्फाज नाल मैं अपने ग्रामा की इजाजत की सा अल्लाह तबाराक व तआला तो को भी हिफ्ज मान के रखे जी अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल से ये वक्त इतना ही निकाला है आगे हमारे दोस्तों की हिम्मत है जो इस इलाके वाले हैं ये उनकी आगे जिम्मेदारी है क्योंकि उस दरिया के किनारे से लेकर झंग के बॉर्डर तक ये हल्का है और इस हल्के में घूमना बहुत मुश्किल है तो कम टाइम लेंगे आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे अब हमारे अमीर मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल जमील नक्शबंदी साहब जो NAP इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तशरीफ लाते हैं और अपने मलफूजात से हमारे दिलों को उजागर फरमाएंगे नारे तकबीर नारे रिसालत जमीन व जमान तुम्हारे लिए मकीन व मकान तुम्हारे लिए चुनिन व चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए कलीमो नजी मसीह व सफी खलील व रदी रसूल व नबी अतीक व वसी गनी व अली सना की जुबान तुम्हारे लिए आज हम इस स्टेज पे खड़े होके आपसे वोट मांग रहे हैं हमारा काम था कि हम मस्जिद में बैठते बच्चों को इस कुरान पढ़ाते इस्लाम की तालीम देते हमारा काम ये नहीं था कि हम यहाँ पर आपसे वोट मांगते लेकिन आज हम आपके सामने क्यों खड़े हैं इस नहज पर किसने पहुंचाया है कि हम आपके सामने खड़े होकर आपसे वोट मांगे कि हमें वोट दें ताकि हम असेंबली में पहुंचे क्या वजह थी कौन सी कमजोरी थी
कौन सा ये मिशन था कि जिसने हमें मजबूर कर दिया कि 75-76 साल हमने जिनको वोट दिया, जिनकी पगड़ियों को ऊंचा किया, जिनके प्रोटोकॉल को हमने बड़ा किया, जिनके पीछे खड़े होकर हमने उनके नारे लगाए, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ आज हम खड़े हो गए हैं कि वोट उनका हक नहीं है, वोट उनका हक है कि जो इस्लाम के साथ खड़ा है, दीन के साथ खड़ा है, शरीयत के साथ खड़ा है, कुरान के साथ खड़ा है। आखिर क्या वजह बनी कि आज हम आपसे वोट मांग रहे हैं? वजह क्या है? अगर आपको वजह समझ आ जाए ना तो आप यकीनन आप फिर हकदारों को वोट देंगे और उनको कभी वोट नहीं देंगे जिन्होंने 75 साल से कौम को हर 5 साल के बाद आकर टीका लगाया है, कौम को हर 5 साल के बाद आकर चूना लगाया है, हर 5 साल के बाद आकर खाली खोखले दावे और नारे लगाकर उनसे वोट बटोरा है। आज फिर वही लोग आपके सामने खड़े होकर आकर कहते हैं कि वोट हमें दो। कोई कहता है वोट हमें दो, हम आपकी बरादरी के हैं। कोई कहता है वोट इसलिए दो, हम आपके इलाके के हैं। कोई कहता है वोट हमें दो कि हम जनाब आपके भुला काम करेंगे, भुला करेंगे, रोड बना देंगे, खंबे दे देंगे, बिजली दे देंगे, हम आपको सोलंग दे देंगे। मैंने कहा इसके लिए तो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं कि इसके लिए लोग वोट मांगते हैं, लेकिन आपके सामने हम इसलिए खड़े हैं कि आप हमें वोट दें। 75-76 साल से दीन के साथ जो ड्रामा रचाया जा रहा है, इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस्लाम और पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमानों के हकूक हैं उनको जो दबाया जा रहा है, हम इसलिए आए हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो असेंबलियों में भी रब के कुरान की बात करेंगे, मोहम्मद अरबी के फरमान की बात करेंगे। अभी मेरी कौम को जागने की जरूरत है, अभी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को अभी बेदार होने की जरूरत है। अब जब बेदार होंगे तो इंशाअल्लाह लबैक का नारा एक बच्चा बच्चा लगाएगा और उनको पता चलेगा कि हमने पाकिस्तान औरतें नचाने के लिए हासिल नहीं किया था, हमने पाकिस्तान सूद के लिए हासिल नहीं किया था, हमने पाकिस्तान दो नंबरी के लिए हासिल नहीं किया था, हमने पाकिस्तान टीवी पर चैनलों पर नंगी औरतों को दिखाने के लिए हासिल नहीं किया था, बल्कि हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि इस पाकिस्तान में अगर कोई निजाम होगा या खुदा का होगा या फिर मुस्तफा का। या रसूल अल्लाह, भाई आप नारा लगाएं, नारे के साथ वफा जरूर करें क्योंकि ये खुदा और उसके रसूल का नारा है। हम दुनियादारों के लिए नारा लगाएं, हमारी जुबानें नहीं थकती, हमारे गले भी नहीं थकते, हमारे हाथ भी नहीं थकते। ए दुनियादार इधर रह जाएंगे, जब कब्र में जाएंगे आमना का लाल होगा, कब्र में भी हजूर ने साथ देना है, अशर में भी हजूर ने साथ देना है, पुल सिरात पर भी हजूर ने साथ देना है। तो आज इस नारे को इतना लगाओ कि कुफर करे ये क्या हो गया, बस उनको यही आदम नजर आना चाहिए कि ये तो झल्ले आ गए, ये तो नबी की आशिक आ गए, नबी के दीवाने आ गए और पाकिस्तान को उसकी असल मंजिल पर पहुंचाने आ गए। आज दारे खत्म नबूवत, हाथों को उठाए, पता चले हम खत्म नबूवत के मानने वाले हैं, खत्म नबूवत के गद्दार नहीं है, ताजदारे खत्म नबूवत। हम यहाँ क्यों खड़े हैं आज? इसलिए खड़े हैं कि जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन काजी को फांसी के फट्टे पर चढ़ाया गया और मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक आशिक को सूली चढ़ाया गया, उस वक्त कोई हुक्मरान नहीं बोला, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं कि आशिकों को बचाना है और गुस्ताखों को सूली पे चढ़ाना है, आशिकों को बचाना है। गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का मौका आया, कोई हुक्मरान ना बोला, हमारा कोई एमपीए ना बोला, हमारा कोई एमएनए ना बोला, 60 लाख बंदों ने गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद का जनाजा पढ़ा और मैं भी कराची से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जनाजे के लिए हाजिर हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था और आशिक से आंसू बरस रहे थे और हर एक यही कह रहा था कि हमारा इमाम है तो ये नबी का गुलाम है। इस गाजी मुमताज कादरी ने अपने दूध पीते बच्चे को नहीं देखा बल्कि गुस्ताख को गोलियां मार के अपने आका की इज्जत पे पैर देके मुसलमानों का कर्ज अदा कर दिया।
उस वक्त कोई ना बोला जब खत्मे नबूवत पे डाका डाला, खत्मे नबूवत का बिल खत्म करने की कोशिश की गई, जब हलफ के अंदर तब्दीली की गई, उस वक्त सारे एमएनए सारे एमपीए असेंबली में बैठ गए, वो शराबें पी रहे थे, वो जनाब अपनी बदमाशियों में मस्त थे, लेकिन किसी को ये गैरत ना आई कि खत्मे नबूवत पे डाका पड़ गया, कोई तो बोलता, लेकिन कोई ना बोला, किसी ने बात ना की, ना कोई एमएनए बोला, ना कोई एमपीए बोला, ना हुकूमत का कोई वजीर बोला, ना कोई मुशीर बोला। उस वक्त भी अगर किसी ने मैदान लगाया तो वो मजदूर जो मजदूरी की हालत में तड़पता था, भड़कता था, उसके दिल में मुस्तफा का एहसास था, लाहौर से व्हील चेयर चला के फैजाबाद पहुंचा, 8 लाशें उठा के भी खत्मे नबूवत पे पैरा दे के मुसलमानों का कर्ज चुकाया। अभी भी मेरी कौम नहीं जागी, समझो, अभी भी मेरी कौम नहीं जागी, अभी भी लबैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने से कतरा रही है। तो सुनो, जब फ्रांस में खाके बने मेरी आका की इज्जत पे हमला हुआ तो उस वक्त भी कोई एमएनए नहीं बोला, कोई एमपीए नहीं बोला, किसी पार्लियामेंटेरियन ने कोई बात नहीं की, किसी वजीर आजम ने कोई बात नहीं की, किसी वजीर आजम ने कोई बात नहीं की। उस वक्त भी मैदान फटाया और जिसकी तरफ जिसकी फड़ा ये थी कि हमने बदला लेना है, फरार से ताल्लुकात खत्म करने हैं, तो कोई मैदान में नहीं आया। 40 लाशें उठा के फिर भी लबैक वाले अखाड़ियां लगवा के मैदान सजा के कहने लगे, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितम कर की नजरों से नजरें मिला के जिए, अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो नबी की शम्मा जला के जिए। अब लगाओ नारा, पता चले कि आपको लबैक के नारे की समझ आई है कि नहीं। और इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हर वो काम हुआ, इस मुल्क के पाकिस्तान में हर वो काम हुआ जो कुरान के खिलाफ है, जो मेरे मुस्तफा के फरमान के खिलाफ है, लेकिन कोई ना बोला। ट्रांसजेंडर जैसे बिल इस पाकिस्तान के अंदर शर्मनाक बिल के मर्द मर्द से शादी करे और औरत से शादी करे, इसको जायज करार दे दिया, और गैर मुस्लिमों के कानून मुसलमानों पर थोप दिए गए। उस वक्त भी कोई ना बोला, मैदान में लबैक वाले ही निकले। और जब फलस्तीन का मसला आया तो किसी ने कहा ये दो रियासती मसला है, किसी ने कहा ये चीज दहशत गर्द तंजीम का मसला है, लेकिन लबैक वालों ने इस्लामाबाद के अंदर मिलियन ट्रिलियन मामले निकाल के बताया कि हम नबी के गुलाम हैं, और जब भी किसी मुसलमान पे जुल्म होगा तो आवाज तो उठेगी तो लबैक वाले उठाएंगे। और ये वो काफला है कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए सिर्फ तकरीर ही नहीं की, सिर्फ आप ये कहना कि मस्जिद में जुमे पे तकरीर तो होती है, जुमा तो होता है, मस्जिद में नमाज तो होती है, और सब कुछ हो रहा है, फिर आप क्या कहते हैं कि जनाब दीन आने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें वोट डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम सिर्फ तकरीरों से नहीं आया, इस्लाम बदर में भी लेकर गया, इस्लाम सहाबा को बदर में भी लेके गया, बहुत में भी लेके गया, खंडक में भी लेके गया, सहाबा के हाथ कटे, हाथ छल हो गए, उनके टांगे कट गई, उनकी आंखें बाहर आ गई, लेकिन फिर भी अल्लाह की इज्जत की कसम उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं, बाबा डर नहीं छोड़ सकते, मैं सबके या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है तो सहाबे कराम ने लगाया। हाथ पूरे उठाए, पूरे पता चले आज हम आए हैं। ये वोट अपनी मर्जी का होता है, वोट जिधर दे, लेकिन हम आपसे तकाजा करते हैं कि वोट आप उनको दें जिनका नजरिया ये है कि हमने इस पाकिस्तान को उसी नहर पे लेकर आना है जिसके लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने घर छोड़ा था, जिसके लिए औरतों के सुहाग लुटे थे, जिसके लिए 90,000 औरतों की इस्मत दरी हुई थी। हमने न बरादरियों को लेकर आना है, हमने न किसी ग्रुपों को लेकर आना है, हमने मोहम्मद अरबी के दीन की बात करनी।
हूँ। पाकिस्तान बनाया भी मोहम्मद अरबी के गुलामों ने था, और हम अगर पाकिस्तान को बचाएंगे तो वो भी मोहम्मद अरबी के गुलाम थे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि वोट देना है तो इस बार सही हकदार वोट की तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है। इस बार वोट की सही हकदार करें है, करें इंतखाबी निशान। इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान से दो नंबर लोगों को इसी करें से उठाएंगे और उनको साइड पे लगाएंगे, और इस मुल्क के अंदर कोई राज होगा तो खुदा के दीन का होगा या मोहम्मद मुस्तफा के कलाम का होगा। क्या आप चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में औरतों की इज्जत महफूज रहे? क्या चाहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान से नबी की इज्जत की बात हो? क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर असेंबली के अंदर जब असेंबली वाले बैठे हैं तो उनके सामने कुरान हो? क्या आप चाहते हैं कि असेंबली में बैठने वालों के सामने मोहम्मद अरबी का फरमान हो? तो फिर जो आने वाले आपसे वोट मांगे तो उनसे एक सवाल जरूर करना, मुझे बताओ वोट मांगने के लिए तो आगे हो जब खत्म नबूवत पे डाका डाला था उस वक्त कहां थे? जब नबूवत रिसालत पे हमला हुआ तो उस वक्त कहां थे? जब आफिया सिद्दीकी को एनर्जी उठाकर ले गए उस वक्त तो कहां थे? इक्तदार भी मिला, हुकूमत भी मिली, उस वक्त कहां थे? जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में खबर चली के तफ्तीशी हरबे के तौर पे उसके साथ जिंसी ज्यादती की गई है, मुसलमानों हम तो जिंदा डूब के मर गए कि हमारी बहन के साथ उधर उन्होंने ज्यादतियां की, लेकिन हमारी हुकूमत ने कोई तगड़ा जवाब ना दिया। कश्मीर भी बेच दिया, फलस्तीन भी बेच दिया, बताओ हमारे पास क्या रहा? हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हिमायत के लिए खड़े भी ना हो सके। हमारे नजरिए से अगर बढ़ के नजरिया किसी का हो तो वोट का वो हकदार है, लेकिन अगर नजरिया हमारा सच्चा है तो 8 फरवरी को कर्बला की तरह इमाम हुसैन के मिशन के साथ रहकर वक्त के उन फिरौनों का खात्मा कर दो जिन्होंने दीन को धोखा दिया और कौम को भी धोखा दिया। ना वो दीन के हैं ना वो कौम के हैं, 5 साल बाद आके मुंह दिखाते हैं और कहते हैं हम आपका ये काम कर देंगे वो कर देंगे, 5 साल तक फिर नजर ही नहीं आते। आपने सबको आजमा लिया, अब दीन को भी आजमाओ। एक बार दीन को आजमाओ, एक बार पर्ची दीन को दो, इंशाल्लाह जब दीन को पर्ची देंगे तो आपका जमीर मुतमईन होगा। ये वोट बैयत है, किसी को पीर बनाओ तो देख के बनाओ। आज कोई किसी ग्रुप के साथ खड़ा है, कोई किसी ग्रुप के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, मैं इतना कहूंगा क्या अपने सियासी लीडर के साथ क्यामत वाले दिन उठना चाहते हो? कोई ये दुआ करता है कि क्यामत वाले दिन मैं अपने सियासी लीडर के साथ उठाया जाऊं? हदीसे पाक है अल मरो मा मन अहब्बा इलैह, आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। आज जिनको अपने सियासी लीडर प्यारे हैं तुम भी दुआ करो या अल्लाह हम उनके साथ उठाए जाएं, और हम भी दुआ करते हैं या अल्लाह हम उसके साथ उठाए जाएं जिसने मजदूरी के बावजूद व्हील चेयर चला के मुस्तफा के इश्क में कौन को सर दिया। दुआ करो ना, अगर सच्चे हो तो दुआ करो हम उनके साथ हैं कि या अल्लाह हम उनके साथ हैं कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी की। अब पता चल जाएगा कौन दुआ करता है अपने सियासी लीडर के साथ खड़ा होने का, कौन उनको पता है नहीं दुआ करेंगे। ये दुआ कोई नहीं कर सकता, या अल्लाह जहां हमारा सियासी लीडर है वहां हमें रखना, लेकिन हम ये दुआ कर सकते हैं लब्बैक वाले, ना हम काने हैं ना हम काले हैं ना हम कालियां काली बातें करते हैं, ना हम सियाह हैं ना हम सियाह बातें करते हैं, हम रसूलुल्लाह के चमकते गुलाम, न सर झुका के दिए ना मुंह छुपा के दिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के दिए, और इसमें हैरत क्या अगर हम 2 दिन कम दिए हम उनके साथ थे जो नबी की शम्मा जला के दिए। और हम इस तमाम पिंडाल में जितने दोस्त हैं हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और ये भी आपका मुल्ता सुनाते हैं
कि ये जो आप खड़े हैं ना, क्यामत वाले दिन जब बुलाया जाएगा ना कि कौन कौन दीन के लिए खड़ा था, अल्लाह की इज्जत की कसम आप भी नाम शामिल किए जाएंगे। हम सूए हशर चलेंगे शहे अबरार के साथ, हम सूए हशर चलेंगे शहे अबरार के साथ, और काफला होकर वहां काफले सालार के साथ। कोई ये कहना लबैक वाले विन तो नहीं करते, जीतेंगे तो नहीं, आप और जाया कर रहे हो। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि बाजारे मिस्र में कीमत लगी हुस्न यूसुफ की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया तो कीमत लगी। एक बुढ़िया अट्टी लेकर चली गई, किसी ने पूछा बुढ़िया तू खरीद तो नहीं सकती यूसुफ को, उसने कहा खरीद तो नहीं सकती, क्यामत वाले दिन खरीदारों में नाम तो आ जाएगा ना। हम सूए हशर चलेंगे शहे अबरार के साथ, और काफला होकर वहां काफले सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, अगर ना कौन रोता है, लिपट कर दो दीवार के साथ। और अल्लाह की इज्जत की कसम ए नजर हम भी सुनेंगे कोई नाते लगी जब मुलाकात हो गई सारे दरबार के साथ। और दिल से हाथ रख सच सच दस ए मुसलमान का मतलब क्या, देश के नबी ने सीने विच बदराज ईमान का मतलब क्या, पत हिंदुस्तानी ठीका से इतने नुकसान का मतलब क्या, जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान का मतलब क्या। और पाकिस्तान का मतलब क्या है आपको पता है? मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज नौजवान यहाँ खड़े अपना वक्त दे रहे हैं कि ए नौजवानों अब वक्त है आपके उठने का और जागने का, ये पैगाम गली गली हर घर में पहुंचा दो। पाकिस्तान का ये मतलब नहीं था जो आज सियासियों ने बना लिया है कि हर 5 साल बाद वो आके कौम को चूना लगा के चले जाते हैं, खाली धोखे और नारे और जनाब प्रोटोकॉल देकर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के असल मतलब की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं करवाई, वो क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची अभी पहुंचनी चाहिए, पाकिस्तान का मतलब क्या। और ऊंची आवाज से ताकि इस इलाके में लाई अल्लाह का स्प्रे हो जाए, पाकिस्तान का मतलब क्या। कलमा पढ़ते हुए शर्माते हो, कलमा पढ़ते हुए जो शर्माए वो मोमिन नहीं हो सकता और मोमिन बुजदिल हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान का मतलब क्या। मौलवी भी खुश हो रहे होंगे कि लगाता था वो जमनारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता समंदर को वो रास्ता छोड़ देता था, वो पाकिस्तान का मतलब क्या, वो पाकिस्तान का मतलब क्यों। और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी पढ़ना है ना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तक रब राजी नहीं होता, रब राजी होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की जाए। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो काफिर भी कहते हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी के गुलामी कह सकते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं सारे नौजवानों का, तमाम जितने भी आज इस प्रोग्राम के बानी हैं और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, मैं सबका एक एक का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत से आज का ये पंडाल सजाया। इसलिए और कि हम इस निजाम से तंग आ चुके हैं जो हर 5 साल के बाद कौम को जो है धोखा दिया जाता है, और हम इस मुल्क में निजाम मुस्तफा देखना चाहते हैं, निजाम कुरान देखना चाहते हैं। अब आज से जितने दिन इलेक्शन कंपेयर करे गए हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आपने बैठना नहीं है, हर दरवाजे पे दस्तक दे के कहना है कि आया आया दीन आया। किसका किसकी बात करनी है, आया आया, ये आवाज अपने घरों पे दस्तक देकर लगानी है, आया 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 आया। तो दीन से परेशान नहीं है वो तो नारा लगाओ ना, ऊंची बात है आया 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 आया। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को करेंट मोरगन है, किस पे, किस पे, करेंट, करेंट को याद रखना है क्योंकि हमारा नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह चमकता हुआ नजरिया है, और ऐसा नजरिया अगर कोई लाए या इससे अच्छा लाए तो आप उसके साथ करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा नजरिया नहीं ला सका जो नजरिया हमें व्हील चेयर वाले बाबे ने दिया है। इस वजह से हम कहते हैं आज भी साढ़े बाबा जी दी क्या बात, आपने कहना है क्या बात, बाबा जी खादिम हुसैन जी बेदार करके है ना, उसी का फैज तो है कि आज हम खड़े हैं, आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी।
और जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा, जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर अजीम अता फरमाए जिन्होंने खूबसूरत पंडाल सजाया, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा तहरीक लब्बैक इस मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगी, और जिसके लिए पाकिस्तान बना था इंशाल्लाह पाकिस्तान उसी नहज पे आएगा, और इस मुल्क के अंदर निजाम खुदा का होगा और प्यारे मुस्तफा का होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। इलाहुल आलमीन, इस तक के इतने गयूर नौजवानों ने यह खूबसूरत प्रोग्राम सजाया कबूल व मंजूर फरमा, हम सबको दीन के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह काफिले हुसैनी का साथ देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह तेरे प्यारे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन ने करबला में मैदान सजाया था, या अल्लाह हमने भी मैदान लगा दिया है। औले करीम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे के सदके इस मिशन हुसैनी को और खादिम हुसैन के मिशन को या अल्लाह जारी और सारी फरमा। या अल्लाह जल्द इस्लाम का निफाज फरमा, जल्द दीन का निफाज फरमा। या अल्लाह हमारे एमपीए साहब बहराम खान डाला साहब को, और या अल्लाह हमें इसलिए कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह हम अपनी जात के लिए नहीं खड़े बल्कि तेरे दीन मुस्तफा के निजाम के लिए खड़े हैं। या अल्लाह हम सबको कामयाबी नसीब फरमा। ओ फविद उमरे इल्लाह इन अल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी। सब दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने किम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना, और प्लीज़ इस दफ़ा इस्लाम और दीन की खातर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना ताकि आने वाले वक्त में हमारे काम आ सके। तमाम दोस्त अहबाब जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, देखकर इस्लाम की खातर इस दफ़ा अपना वोट कास्ट करें। बहुत शुक्रिया।